हेलो गाइस, तो आज हम अपनी गाड़ी में करने वाले हैं डीकार्बोनाइजेशन। और इससे जो फ़ायदा क्या आता है वो आपको बताएंगे। ये तीन चीज़ रह गई हैं, ये तीन चीज़ मिला के हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि इसमें डालेंगे, फिर से जो अपनी गाड़ी का जो है डीकार्बोनाइज करेंगे गाड़ी को, इंजन को। ठीक है, ये इंजेक्टर क्लीनर आता है जो कि करीब 354 ml आता है। ठीक है, ये हमने 100 ये जोरिक लिया है, WD-40 ये वाला छोटा वाला पैकेट, और ये 100 ml हमने पेट्रोल लिए निकाली है। तो इसे मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे कि जो अपनी गाड़ी का इंजन में है हम उसके थ्रॉटल के थ्रू स्प्रे करेंगे, और जिससे कि जो उसमें कार्बन बिल्डअप हो जाता है वॉल्व की तरफ, ब्लैक ब्लैक टाइप एकदम मोटी लेयर बन जाती है उसमें कार्बन की, कुछ इस तरह की जैसे आप फोटो में देख रहे हो। ठीक है, इस तरह की कुछ लेयर बन जाती है। तो वो लेयर क्या है, उसे माइलेज में भी फ़र्क आता है, आपकी गाड़ी में ब्लैक स्मोक टाइप भी देती है गाड़ी, और खासकर डीजल गाड़ी में ज़्यादा देती है, और आपकी गाड़ी में स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है, वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है गाड़ी में, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए मैंने गाड़ी में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं थी, पर इसमें हल्की फुल्की वाइब्रेशन इंक्रीज थी, मतलब कि जिस तरह से एक वैगनर में कम होती है पर इसमें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, खासकर जो है CNG पे। ये पेट्रोल में तो फिर भी सही चलती है, स्टेबल है, पर CNG कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल इसका इंजन रहता है। तो इसे हम करेंगे थोड़ा डीकार्बोनाइज थ्रू इस इंजेक्टर क्लीनर से, एब्रो कंपनी का बेस्ट कंपनी है ये। वैसे तो आपके जो फ्यूल टैंक है उसमें डाला जाता है, तो ये सेम करता है जैसे इंजेक्टर में आपका कार्बन सा आ जाता है, तो उसे क्लीन करने के लिए ये लिक्विड आता है, तो इससे वॉल्व भी क्लीन हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये थ्रू WD-40, तो ये भी एक अच्छा उसमें काम करेगा, मिक्सचर बन जाएगा इसमें। और पेट्रोल तो आप अच्छा जानते हो, तो इसके साथ अच्छे से काम करेगा, इन सब चीज़ अच्छे से एकदम वर्क करेंगे जिससे कि क्लीन। इसके लिए डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक शॉप भी खुली होती है जिससे कि मशीनें होती हैं, ये तो एक अलग चीज़ है, तो मैंने खुद बनाया है ये फॉर्मूला इसका, ये इंजेक्टर और WD-40 और पेट्रोल, ये एकदम बढ़िया, एकदम सेम जैसे दुकान पर जाकर आते हैं। इसके चार्ज दुकान पर जाकर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 2,500-3,000 रुपये लेते हैं मिनिमम टू मिनिमम गाड़ी का, छोटी से छोटी गाड़ी का। ठीक है, तो ये पेट्रोल 100 रुपये का, 10 रुपये का पेट्रोल मान लो आप 10 रुपये का, और ये 100 रुपये का जोरे का आपका, ये 300-350 रुपये का डिपेंड ऑन कहाँ मिलते, कहाँ से लेते हो आप, अमेजोन पे सस्ता मिलता है आपको, तो 300-400-500 रुपये के अंदर आपका हो जाता है ये। ठीक है, और इसके अंदर इसको डाल देंगे, उसका पेस्ट बनाते हैं, आपको दिखाते हैं इसके अंदर किस तरह का लिक्विड निकलता है, इसके अंदर किस तरह, इस तरह इस सारा लिक्विड इसमें डालेंगे, फिर आपको इंजन का ले जाएंगे और उसमें कर देंगे, जब क्लीनिंग करेंगे तो उसमें दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो पहले इसको मिक्स करते हैं फिर दिखाते हैं। तो 200 ml हमने इसमें से इंजेक्टर क्लीनर इसमें मिला दिया है पेट्रोल के अंदर। ठीक है, अब मिलाते हैं इसके अंदर हम जोरिक, ओ WD-40। ठीक है, तो देख सकते हैं बिल्कुल ही चमक गई है थ्रॉटल बॉडी अंदर से भी। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपकी गाड़ी में पीछे से बहुत ज़्यादा जो है धुआं निकलेगा, क्योंकि जो ऑयल वगैरह है उसमें जलेगा तो धुआं निकलेगा ही, देख सकते हैं। और थोड़ा इंजन को भी हमने साफ़ कर दिया है, देख सकते हैं ये जो स्मोक निकल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिल्टर को फिट कर देते हैं, और ये जो CNG का पाइप है इसको फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा फिट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फिल्टर बॉक्स, ये किसी क्लैंप भी नहीं लगा दी हमने जो कि खराब हो गई, देख सकते हैं। दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी, थोड़ी
काफी ज्यादा स्मूथ सी लग रही है। गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी का हमने कर दिया डीकार्बोनाइजेशन। बेसिकली ये उससे कम भी नहीं है, उससे ज़्यादा भी नहीं है, आप बोल सकते हैं कर देता है क्लीनिंग, जो वॉल्स में जो डस्ट होती है क्लीन कर देता है, क्योंकि ये इंटेक से जब ये केमिकल अंदर जाता है तो वॉल्स के ऊपर से गुजर करके जाएगा तो क्लीन होगा। आप जब कंबर्सन सेक्शन में आ जाएगा तो उससे तो एग्जॉस्ट में जाएगा, तो एग्जॉस्ट में भी ये थोड़ा बहुत क्लीन करेगा ज़रूर, क्योंकि फ्यूल एडिटिव भी है और इसमें W40 भी है, पेट्रोल भी है, तो क्लीन तो ये करेगा ही। और इसमें आपको चिंता नहीं करनी कि आपकी गाड़ी में धुआं निकल रहा है, नीले कलर का धुआं निकलेगा, क्योंकि आप जब इसमें W40 डालोगे तो धुआं तो निकलेगा, वो ऑयली ऑयली सा टाइप का होता है तो धुआं निकलेगा, पर वो जब जैसे वो केमिकल जल जाएगा वो साफ कर देगा अंदर, तो जब वैसे ही धुआं खत्म हो जाएगा। हमारी गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा था क्योंकि केमिकल था उसमें, ऑयल वगैरह था, तो इससे ज़्यादा धुआं देना ही था उसे, ठीक है। तो सर टेंशन की बात नहीं है, आपका रिपोर्ट बताएंगे इसे करीब एक महीने बाद चलाने के बाद कि परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आया नहीं आया, ठीक है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमने भी किसी से इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ करी है अभी, ठीक है, अब देखते इसका रिपोर्ट कैसी थी। फिलहाल अभी तो मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगी गाड़ी, पेट्रोल में CNG गाड़ी में है नहीं फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सी लग रही है गाड़ी, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये में आप ये सब सामान ला सकते हो और खुद कर सकते हो, क्योंकि इंटेक्स से बस आप पाइप खोलना है उसमें ये सब इजी करनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो खुद ये। बाकी आप डीकार्बोनाइजेशन भी करा सकते हो, वो आप हर 1,00,000 किलोमीटर पर करा सकते हो, ठीक है, ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, पर वो आप करा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी गैस इसमें डालते हैं इंटेक में पाइप से आपके, आधे घंटे के लिए वो भी चलती है, वो भी इस तरह से आपको स्मोक दिखाएगी जब आप वो चीज़ ट्रीटमेंट कर रहे होगा आप गाड़ी में, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं आप, किस चीज़ का, क्या मतलब गाड़ी में देखना चाहते हैं, क्या करें गाड़ी में, क्या क्या नई चीज़ को इंस्टॉल करें, ऐसी आप बताइए कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑटोमोटिव अभिषेक।